तो नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक कुमार शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं और वेलकम फ्रेंड्स। आज नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, जिसे शॉर्ट में एनडीपीएस एक्ट भी कहा जाता है, के बारे में आपको बताऊंगा। ये कानून क्या है, इसके प्रावधान क्या है, किन चीजों से संबंधित होता है। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट नशीले पदार्थों से संबंधित होता है, जिसमें कोकीन, गांजा, हीरोइन, अफीम जैसे नशीले पदार्थ आते हैं। ये छोटा सा अधिनियम है, इसमें टोटल 83 सेक्शन है और 6 चैप्टर हैं। दिस लॉ इज नॉट बिगर बट इम्पॉर्टेंट लॉ। बहुत बड़ा ये कानून नहीं है, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण कानून है। सॉरी। दवा बनाने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नशीले पदार्थ कोकीन, गांजा, अफीम, हीरोइन आदि का कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, तो मेडिसिनल पर्पस के लिए इसका उपयोग होता है। मेडिसिन, मेडिसिनल शॉप और कभी कभी रेप पार्टी आदि, जो बच्चे चले जाते हैं उनके जो नियम बने हैं, रूल्स ब्रीच करने पर ये ऑफेंस या अपराध की श्रेणी में आता है। कभी कभी इसमें जांच करने वाले ऑफिसर्स की भी गलती के कारण उन्हें भी प्रोसिक्यूट या अभियोजित किया जाता है। नशीले पदार्थ का सेवन, मेरा यह सुझाव है, सामान्य रूप से ना करें। रूल्स जो भी बने हुए हैं, कोई भी कार्यवाही उसी नियम या विधि के अनुसार की जाए। प्रोसीजरल पार्ट और रूल्स इस अधिनियम के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी सभी व्यक्तियों को होना चाहिए। इसके अलावा ऑल इंडिया पर यह एक्ट एप्लीकेबल है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूड हो गया है और फॉरेन कंट्रीज के अंदर रहने वालों पर, शिप पर, सब पर यह एक्ट एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा इसके डेफिनेशन क्लॉज काफी इंपॉर्टेंट हैं। उनमें कैनाबिस, होम, चरस, गांजा, भांग, कोकीन आदि डिफाइन की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन इसमें आवश्यक है। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की शेड्यूल जो है लिस्ट में दी गई है और केमिकल नेम्स भी इसमें लिखे गए हैं, क्या क्या इसके बॉटनिकल नेम होते हैं। ट्रेडिंग विदाउट परमिशन अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो ऑफेंस की श्रेणी में आता है। इसके अलावा चैप्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन रखने के लिए आवश्यक है। स्टेट गवर्नमेंट भी परमिशन देती है, कैडर बने रहते हैं इसमें। स्पेशल कोर्ट इसकी कॉन्स्टिट्यूट होती है, जो सेशंस की तरह, कोर्ट ऑफ सेशंस की तरह कार्य करती है। इसमें काफी हार्ड पनिशमेंट होते हैं, डेथ पेनल्टी वगैरह रेयर दी जाती है, रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर केसेस में। प्रोहिबिशन यानी रोकथाम के लिए पनिशमेंट दिए गए हैं। कोका प्लांट है, कैनाबिस है, कल्टीवेशन इनका, परचेज, ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा कंज्यूम करता है, इंटर स्टेट भेजता है, एक्सेप्ट दी मेडिकल साइंटिफिक रीजन पर्पस के लिए ही रखा जा सकता है इनको। पनिशमेंट में नशीले पदार्थ का विदाउट परमिशन प्लांटेशन अगर कोई करता है वो भी ऑफेंस है। स्मॉल क्वांटिटी के लिए अगर कोई पकड़ा जाता है तो 1 ईयर तक का पनिशमेंट और 10,000 रुपए तक का फाइन इसमें है। शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान के ऊपर इस तरह का रेप पार्टी में वो पकड़ा गया था, ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ था। जैसे किसी भी जज को फांसी देना अच्छा नहीं लगता है, उसी तरह स्मॉल क्वांटिटी इन पदार्थों की पाए जाने पर उसके लिए थोड़ा लाइटर पनिशमेंट है, जबकि कमर्शियल क्वांटिटी के लिए मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड विथ फाइन। जनरली 5 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, 10 लाख सक्सा हो सकता है, 20 ईयर्स रिग्रस इम्प्रिजनमेंट एंड शेल आल्सो लायबल टू फाइन, जिसमें 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाता है। अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है। डेथ पेनल्टी जैसा मैंने बताया रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर है, कभी कभार दी जाती है। अटेम्प्ट में भी वही सजा है और अपील इसकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाती है, आर्टिकल 136 के तहत। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस जानकारी के लिए विद्या का जो ज्ञान है वो बांटने से ज्ञान बढ़ता है, और इसी उद्देश्य से मैं इस चैनल पर विभिन्न प्रकार के कानूनी बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए आपके कानूनी ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपका मित्र, रिटायर्ड न्यायाधीश हूं। पावर टू इश्यू दी वारंट, इसमें मजिस्ट्रेट को वारंट जारी करने की शक्ति है।
ईडी जैसा इसके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसा इसका प्रोसीजर है, पावर ऑफ अटैचमेंट है, सर्च है, कंट्रोल डिलीवरी है, सीजर है, ये सब चीजें इसके अधिकारी करते हैं। और इसका एक महत्वपूर्ण जजमेंट है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस राकेश सिंह, इसमें अपीलांट स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल थी जबकि रेस्पोंडेंट राकेश सिंह था। क्रिमिनल अपील नंबर है 923 ऑफ 2022, जिसका फैसला 11 जुलाई 2022 को अभी लेटेस्ट हुआ है। इस फैसले में ये कहा गया कि नो रिकवरी फ्रॉम हिज पोजीशन, एक्यूज्ड के उससे कोई रिकवरी नहीं हुई थी, बेल हाईकोर्ट ने इसमें ग्रांट कर दी थी। 76 ग्राम कोकीन की ट्रायल कोर्ट द्वारा इस केस में उसको, राकेश सिंह को बेल दे दी गई थी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे केस का मेरिट्स पर सुनने के बाद ये अपील डिसमिस की स्टेट की, और एनडीपीएस एक्ट केस एकिन ऑफेंस ऑफ द पास्ट नहीं था, बेल लेने पर मामला सामान्य था, फेवर में जब हो जाता है, इसमें हाईकोर्ट ने बेल दे दी थी। 27A एनडीपीएस एक्ट, नो रिकवरी, नो रीजन टू कंसीडर इंटरफियरेंस इन द ऑर्डर पास्ड बाय द हाईकोर्ट ग्रांटिंग बेल टू द रेस्पोंडेंट विद स्पेसिफिक कंडीशन। तो इस तरह ये महत्वपूर्ण मामला जो मैंने सुप्रीम कोर्ट का आपको बताया, ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस राकेश सिंह का है। तो कहने का कुल मिलाकर अभिप्राय यही है कि नारकोटिक्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट काफी महत्वपूर्ण अधिनियम है 1985 का एनडीपीएस के लिए, और ये सरल भाषा में मैंने जानकारी आपको इस एक्ट की खास खास इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने लाइक मित्रों को लाइक शेयर करें, और इस वीडियो में यहीं तक। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।